पढ़ाई करके क्या रुतबा हासिल कर लेगा वो? बेकार के सपने मत दिखाओ, उसको अपनी औकात में रहने दो। ये है हमारी बड़ी स्लेट। तुम समझते हो राबिया हमारी बेटी? वो हमारी बहू है। कल ही तूने अंकल को फोन किया कि तू वापस नहीं आ रहा है, अभी अचानक जाने का फैसला? What do you mean यार? कह दिया ना चलेंगे। क्या बात है मियां, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला जो आपको परेशान कर रहा है? नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई दिनों से शाहिद के बर्ताव में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। उम्र का तकाजा है रहमान बेटा, मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द निकाह कर डालो। अरे अमित। आदाब अंकल जी। आदाब, आओ अब बेटा। जी आप चलिए, मैं आता हूँ। अंकल शाहिद घर पर है? हाँ बेटे, ऊपर कमरे में। जी। अरे अमित। जी अंकल। तुम लोग ट्रैकिंग के लिए कहाँ जाते थे? अंकल हम श्रीनगर हाईवे पर रुके थे और वहीं से डेली सुबह सुबह निकल जाते थे ट्रैकिंग के लिए। तो तुम लोग अलग अलग जाते थे या एक साथ? नहीं, हम रुके भी एक साथ थे और जाते भी एक साथ थे। अच्छा, वहां तुम्हारी मुलाकात किसी शक्को शुबा वाले किसी आदमी के साथ तो नहीं हुई थी? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं अंकल, पर कोई खास बात आप ये पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं नहीं, खास तो कुछ नहीं है, लेकिन एक तरह से खास भी है। आओ एक मिनट बैठो। बैठिए। देखो बेटे, ये जब से वापस लौटा है शाहिद, इसका बिहेवियर में काफी चेंज है। अब हकीकत क्या है ये तो तुम जानो, क्योंकि तुम लोग उसके साथ थे। लेकिन आजकल ना वो हंसता है, ना बोलता है, ना बात करता है, अपने कमरे में गुमसुम पड़ा रहता है जैसे घर में कोई हो ही नहीं। देखो बेटे, अगर वहां कुछ ऐसा वैसा हुआ हो तो मुझे साफ साफ बताओ, तब तो मैं शाहिद की और तुम लोगों की मदद कर पाऊंगा, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अंकल बताने लायक कोई बात ही नहीं, वहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मेरा यकीन मानिए अंकल। देखो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारा अंकल कम और दोस्त ज्यादा हूँ, है ना? बिल्कुल। शायद के लिए भी मैं बाप बाद में हूं, पहले दोस्त। देखो बेटे, अगर तुम हकीकत बताओगे तो तुम्हारे दोस्त शायद का ही फायदा है। मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा, तुम लोगों की मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं क्या मदद करूंगा, बोलो जी। वो किसी से कोई मुलाकात, कोई दोस्ती या कोई लड़की? जी अंकल ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। अब देखो मुझसे शर्मा मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, कहो क्या हुआ था? अंकल वो एक बार एक लड़की से मुलाकात हुई थी। कौन थी वो लड़की? जी वो बताओ बताओ भाई, कौन थी? अंकल एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन वो अपनी भेड़ को खोजने के लिए आई थी, तभी कुछ फिर। पर अंकल शाहिद की उदासी का कारण मुझे नहीं पता, एकदम से कुछ हुआ जो उसने वापस आने का फैसला कर लिया और उसने हमें कुछ नहीं बताया। पहले तो अंकल वो नीचे ही नहीं आना चाहता था, पर अचानक से ये सब हो गया। बेहतर। अच्छा जा, तुम शाहिद से मिल लो और उसका मूड उठ ठीक करने की कोशिश करो यार, और जरा देखो कि मसला क्या है, हाँ, ताकि उसको सुलझाया जा सके। जी। हाय शाहिद। ओ हाय। आओ ये बड़ी। क्या बात है यार, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए बहुत फिक्र कर रहे हैं, तुम घर में किसी से बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं अमित, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहिद मैं तुम्हारा इतना करीबी दोस्त हूं यार, कम से कम मुझे तो बता दो। तुम बेवजह फिक्र कर रहे हो। कमाल है यार, अब तो मुझे अपनी दोस्ती पर बहुत शक हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू, अब्बू इज ओवर रिएक्टिंग और कुछ नहीं है, तुम कोई और बात करो। अच्छा
तो अचानक तुमने वापस आने का फैसला क्यों किया? मैं कह चुका हूं कि कुछ नहीं हुआ था। तो ये ब्लैक बोर्ड लेकर तुम किसे पढ़ाने जाते थे? वो कबीले के बच्चे पढ़ते नहीं थे। अच्छा, मैंने सोचा जितने दिन हूं उनकी कुछ मदद कर दूं। शाहिद, तुम इस बात को जितना सीधा बना रहे हो ये बात उतनी सीधी है नहीं। देख अमित, अगर तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। अच्छा, तो फिर इस मदद के जज्बे को छोड़कर तुमने वापस आने का फैसला क्यों किया? बेकार के क्वेश्चन मत कर अमित। मैं अपनी सारी जिंदगी उन कबीले वालों के साथ तो नहीं दे सकता था ना, इसलिए छोड़कर आ गया। इज इट ओके? मौसम कितना बदल गया है, कितनी गर्मी हो गई है। गर्मी तो होनी ही है, महीना नहीं देखा कौन सा चल रहा है। बस अब तो ऊपर की पहाड़ी चढ़नी है, ऊपर के पड़ाव पे पहुंचना है। पर इस बार परेशानी है, क्या करूं। परेशानी क्या है आपको, हर बार यही तो करते हैं, हर मौसम में जाते हैं आते हैं, इसमें नई बात क्या है। परेशानी ये है ओए, इस बार राबिया बीमार है। अगर काफले के साथ चलना है तो अभी निकलना होगा, पर बीमार को तो नहीं ना ले जा सकते। रास्ते में कोई परेशानी हो गई, कोई मुसीबत हो गई तो क्या करेंगे। आप फिक्र मत करिए अब्बू, हम बिल्कुल ठीक है और हरारत भी नहीं है। आप जब कहेंगे हम सफर पर चल देंगे। ओए ठीक है बच्चे, तू बैठ के आराम कर, देखते हैं क्या होगा। आप एक लड़की से मोहब्बत करते हैं तो क्या गलत काम कर रहे हैं, और उसके लिए आप मुंह लटकाए घर में बैठे हो, ना किसी से बात करते हैं, ना बोलते हैं, ना हंसते हैं, हा? क्या है? आपकी जगह अगर हम होते ना तो सारी कायनात को सर पर रख के नाच रहे होते। अरे मोहब्बत कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? और फिर एक चीज बताइए, ये कैसी मोहब्बत है आपकी कि आप अपने महबूब को वहां अकेला छोड़ के यहां चले आए? लाना थे आप पे, हा? हमारे साहबजादे होकर आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप अपने जज्बात, अपने इश्क का इजहार कर सके। इजहार किया अब्बू, तभी तो ये हालात हुए। क्या हालात हुए? क्या कहा उन लोगों ने? यही ना कि कबीले के लोग आपकी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचते हुए नहीं देख सकते। कमाल, आप एक लड़की के लिए उस कबीले के बच्चों को तालीम देने में लग गए, लड़की को तालीम देने में लग गए। भाई ये तो अच्छी बात है, कम से कम एक अच्छा काम करने का जज्बा तो पैदा हुआ। हम बहुत शिद्दत से इस काम में लग गए थे अब्बू, हम भूल ही गए थे कि एक लड़की की मोहब्बत की वजह से हम उन बच्चों को तालीम देने लग गए। हमें लगा कि ये हमारी जिंदगी का मिशन बनने वाला है। राबिया से मोहब्बत तो सिर्फ एक बहाना था। राबिया, तो लड़की का नाम राबिया है? जी। तो जनाब मोहब्बत का मिशन तो छोड़िए, ये बताइए कि ये बच्चों को तालीम देने के मिशन को बीच में छोड़कर वापस आने की क्या मजबूरी थी? अबू राबिया शादीशुदा है। शादीशुदा? ये तुम्हें पहले पता नहीं चला? नहीं अबू, मैंने आमीन के सिवा वहां किसी और मर्द को नहीं देखा। बाद में बस राबिया के अबू से मुलाकात हुई। तो ये तुम्हें किसने बताया कि राबिया शादीशुदा है? फातिमा बीबी ने, राबिया की सास, जिन्हें मैं उसकी मां समझता था। फातिमा ने क्या कहा तुमसे? उन्होंने कहा अब मैं बच्चों को तालीम देने ना आऊं
क्योंकि वो जानती हैं मैं वहां राबिया के लिए जाता हूं। राबिया शादीशुदा है, वो उसकी मां नहीं उसकी सास है। तुमने राबिया से इस बारे में बात की? पूछने का सवाल ही कहां उठता था अब्बू। फातिमा ने आपसे कहा और आपने उसका यकीन कर लिया? बेयकीनी करने की कोई गुंजाइश भी तो नहीं थी। गुंजाइश थी मियां, गुंजाइश थी। हो सकता है फातिमा ने आपसे झूठ कहा, हो सकता है फातिमा को आपका राबिया से मिलना पसंद नहीं हो सकता है वो आपकी मोहब्बत को पसंद ना करती हो, आपको जुदा करने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि राबिया शादीशुदा है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है साहिबजादे, मुमकिन है। और आपको इस बारे में राबिया से साफ साफ बात करनी चाहिए थी और आप यही गलती कर गए। तो क्या? अरे सही क्या है इसकी तो जानकारी लेनी पड़ेगी ना। अब क्या करूं अब्बू? करना क्या है, जाइए हकीकत का पता लगाइए। अरे आपकी जगह मैं होता ना, अब तक ट्रेन में बैठ चुका होता। यस बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज। बदमाश फतेह खान, मेरे दुकान से बहुत कुछ सामान लिया, दो जोड़ी कपड़े, दो जोड़ी चप्पल, तीन टोपियां और बहुत कुछ सामान लिया शादी के लिए। मुझे बोला मैं पैसे दूंगा, भेड़ बकरी भेज के नजर ही नहीं आया। मैं इधर आया, वो यहां से चला गया था। आकर जाएगा तो कहां, आना तो इसी रास्ते से है ना। अबू बहुत गड़बड़ हो गई है, अबू बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे क्या हुआ शायद बेटे, इतने परेशान क्यों हो? बोलो। उन लोगों का काफिला कहीं चला गया है अबू। ए बरखुरदार, इतनी सी बात पर दिल छूटा कर रहे हो? अरे दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जिसकी तलाश नहीं की जा सकती? वी आर लिविंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड, ओके डू इट। अब मैं उन्हें कहां ढूंढूंगा अबू, वो कहां मिलेंगे? अरे मिल जाएंगे बेटे, मिल जाएंगे। कुछ और लोगों से भी पूछताछ करो। वैसे ये कबीले के लोग गर्मियों में वो पहाड़ पर ऊपर की तरफ जाते हैं, हाँ, तो पीछा करो और उनकी तलाश करो, क्योंकि उस लड़की की तलाश करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है ताकि हकीकत सामने आ सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे साहबजादे हकीकत को जाने बगैर आराम से नहीं बैठे। हाँ? जी अब्बू। इसलिए गो अहेड माय बॉय एंड फाइंड द ट्रुथ। तुम मेरे बेटे हो और मेरा बेटा इतनी जल्दी हताश हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। इसलिए जाओ, हकीकत का पता करो और ये बात साबित करो कि तुम मेरे बेटे हो। ओके चेयर साहब। जी अब्बू। ये सिर्फ एक लड़की की तलाश का मसला नहीं है, ये एक बड़ा मसला है। तुम्हें उस लड़की के कुनवे की तालीम की जिम्मेदारी उठानी है ना। भाई लड़की तो एक जरिया है और बिना जरिया के मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता, और मेरा बेटा बगैर मंजिल तक पहुंचे वापस आ नहीं सकता।
गुड लक, गुड बाय एंड खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू। कहाँ जाऊँगा बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब जानता हूं उनका काफिला कहां से जाता है। तो बताइए ना डॉक्टर साहब। उनका काफिला श्रीनगर के हाईवे के साथ साथ चलता है। थैंक्स डॉक्टर साहब। सुनो सुनो जी, तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? जी कुछ काम था उनसे। अच्छा अच्छा, सुनो 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 जी, तुम फतेह खान को जानते हो, जिसकी भेड़ का इलाज मैं कर रहा था? अच्छा, झुमरी का। उससे बच के रहना। झुमरी से? नहीं, फतेह खान से। अब क्या बताऊं मैं, अब उसकी भेड़ मर गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? पूरी ईमानदारी से मैंने इलाज किया था उसका, मार मार के मेरा बुला हार कर दिया। उससे बच के रहना। जी जरूर बच के रहूंगा। सुनो 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 जी, तुम्हारा दोस्त कैसा है? बेहतर है। कोई भी तकलीफ हो उसको मेरे पास लाना, मैं उसकी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। जी बिल्कुल, आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आप ही के पास लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। नेक्स्ट। आदाब चाचा जान। वो गुलरेज खान का कबीला किधर गया? यहाँ पर। कितने दिन हुए? 3 दिन। शुक्रिया। ठीक ठाक हाँ। अच्छा शब्बीर खान आ रहा है, हर बार आपको लूट के ले जाता है, इस बार हिसाब किताब जरा ठीक से करना। सुनो, सारा कबीला मुझसे सलाह मशवरा करके ही काम करता है, तू क्या अपने खावन को बेवकूफ समझती?
अरे जा जा अपना काम कर, देख लूंगा उसको। अरे गुलरेज खान, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और तुम सुनाओ, सब खैरियत से तो है ना? बस अल्लाह का फजल। अरे तुम रहने दो, हम कर लेंगे। तुम खान साहब के लिए कावा जाओ। मैं अभी थोड़ी सी मदद करता हूँ। इधर ही बिछाते, ठीक है? थोड़ा सा पीछे कर लो। बस ठीक है, तशरीफ रखो खान साहब। इस बार पिछले बरस की तरह मत करना गुलरेज खान। अरे नहीं नहीं नहीं, इस बार तो पिछली बार से ज्यादा कीमत लगेगी। अरे देखो ना, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। दो वक्त की रोटी खाना तक मुश्किल हो गया है। ये भेड़ें किस मुश्किल से पलती हैं वो हम ही जानते हैं खान साहब, कितनी मुश्किल है। अब आपको क्या बताएं, एक बार भेड़ों का सौदा हो गया तो पूरा साल उसी पैसे पे तो गुजारा करना पड़ता है हमको। इस बार मुश्किल है, वल्ला वल्ला बहुत मुश्किल है। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ। अरे गुलरेज खान, इतनी बड़ी तकरीर कर रहे हो, जो हम कह रहे हैं कुछ वो भी तो सुनो ना। जरूर सुनेंगे, मगर कीमतों के बारे में कोई गुंजाइश नहीं है, वल्ला कोई गुंजाइश नहीं। देखो खान, पिछली बार की तरह पैसा तुम मुझसे ले लोगे और आधा माल किसी और को दे दोगे। ला, ला, ये क्या फरमा रहे हैं? जितना माल बिकाऊ था सारा आपके हवाले कर दिया। इतने खुदगर्ज नहीं है कि पैसा आपसे ले ले और माल किसी और को दे दे। पर पैसा मैंने जितना दिया था उतना माल तुमने मेरे हवाले नहीं किया था। अरे खान, पिछले साल का कितना बकाया है कुछ मालूम है तुम्हें? अरे कितना बकाया होगा, खैर जितना भी होगा उसको उसको मनफी कर लेना। देखो ये है पिछले साल का 25,000 और उस पर 5% सूद, वो हो गया 20,000। अरे 25,000 और 20,000 ये कुल मिलाकर हो गया 45,000। ये 25 का 45,000 कैसे हो गया? अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ अपना काम करो, कर रहा हूँ। अच्छा तो खान अब ये बताओ कि अब तुम्हें कितना पैसा चाहिए? अभी तो 3 महीने बाकी हैं, कम से कम 30,000 तो होगा ही। तो माल कितना दोगे? माल तो थोड़ा कमी है, पर हाँ माकूल माल है। वो तो आपको पता ही है कि गुलरेज खान का माल सारे बाजार में सबसे बढ़िया माल होता है। हाँ इस बार 40 बेर दिया। देखो खान, पिछली बार तुमने 50,000 बोला था और हमने 40,000 दिया था। अरे अब हर शय की कीमत बढ़ गई है तो मैं क्या करूं? इस बार तो 60 से कम होगा नहीं। हाँ अच्छा खान साहब, ऐसा करो, पिछली बार मैंने 40,000 दिया था, इस बार 5,000 और, हो गया 45,000। नहीं नहीं नहीं, अब इस बार तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। चलो खान, 5,000 और दिया, कुल मिलाकर हो गया 50,000। अरे क्या फरमा रहे हैं आप, बोल दिया ना मुमकिन नहीं है। हाँ देखो खान, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी पूरी सौदेबाजी पर उतर आऊंगा। मैं तो 5% मुनाफा लेता हूँ और लोग तो 10% लेते हैं। देखो इस तरह तो तुम्हें भी बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ 45,000 तुम्हारी तरफ पिछला बकाया है और इस बार 30,000 की जगह 32,000 दे रहा हूं तुम्हें और सूद 10% लूंगा क्योंकि रकम मैं एडवांस में दे रहा हूं। तुम्हारा ये कुल मिलाकर हो गया 45,000 एक, 32,000 एक और सूद मिलाकर हो गया कोई 80,600 रुपए। और देखो तुम्हारी 40 से ऋण 800 के हिसाब से हो गई 32,000 और तुम्हारी भेड़ें हो गई 50,000। 50,000 और 32,000 हो गया 82,000, ठीक है? अब ये 1,400 रुपया ये लो। अरे अब तो खुश हो ना? अरे सारा फायदा तो तुम ही ले गए, मैं तो बस रोता ही रह गया। ये देखो ये कुछ कागज बनाकर लाया हूं,
इस पर अंगूठा लगा दो, ये लो। अरे शुक्र करो उस अल्लाह ताला का जिसने तुम्हें कोई ऐसा सौदेबाजी करने वाला नहीं भेजा जो तुम्हें लूट कर खा जाएगा। अरे जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।